त्रिकटू चूर्ण एक पुराना हर्बल उपचार है। इसका उपयोग अस्थमा, मोटापा, खांसी, ठंड या किसी प्रकार के सांस के रोग की समस्या में किया जाता है। यह आयुर्वेदिक उपाय अस्थमा, गाउट, खांसी, ठंड और अन्य श्वसन रोगों के उपचार में मदद करता है। त्रिकटू चूर्ण तीन भारतीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ काली मिर्च, पिपली और सौंठ से मिलकर तैयार किया जाता है। त्रिकटू चूर्ण की तासीर गर्म होती है और विभिन्न आयुर्वेदिक उपचारों में विशेष रूप से अस्थमा, अपच के आयुर्वेदिक उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। त्रिकटू चूर्ण को कई नामों से जाना जाता है, जैसे त्रिकटू चूर्णम या त्रुक्टा। त्रिकटू चूर्ण एक उपयोगी आयुर्वेदिक मिश्रण है जो विभिन्न श्वसन और पाचन रोगों को ठीक करने में मदद करता है। यह त्रिदोष असंतुलन से संबंधित बीमारियों को शांत करता है और यह अस्थमा से स्वाभाविक रूप से लड़ने में काफ़ी कारगर है। तो आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में। त्रिकटू चूर्ण पाचन में सुधार करने में मदद करता है, क्योंकि इससे शरीर में वे अग्नि तत्व बढ़ जाते हैं, जिससे उचित पाचन होता है, भूख में वृद्धि होती है। पाचन विकार वाले व्यक्ति को भोजन से एक घंटे पहले आधे से लेकर एक चम्मच तक इसका सेवन करना चाहिए। यह कब्ज, भूख ना लगना और अन्य पाचन विकारों के लिए भी उपयोगी है। त्रिकटू चूर्ण प्रतिरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है, क्योंकि इससे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है, जिससे उचित मात्रा में पाचन होता है, भूख में वृद्धि होती है। इसलिए जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं वे रोजाना सोने से पहले एक चम्मच तक इसका सेवन कर सकते हैं। यह पाचन के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। यह चयापचय में वृद्धि और मोटापे को कम करता है। त्रिफला के साथ इसका सेवन करने से अतिरिक्त वजन को कम करने में मदद मिलेगी। जो लोग कुछ वजन कम करना चाहते हैं वे भोजन से आधा घंटा पहले एक चम्मच त्रिकटू चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन रोगों के लिए त्रिकटू चूर्ण बहुत ही उपयोगी उपाय है। यह अपनी गर्म तासीर के कारण फेफड़े से बलगम को कम कर देता है या गले में खराश, साइनस और अन्य श्वसन संक्रमणों में भी मदद करता है। भोजन से आधा घंटा पहले शहद के साथ आधे से लेकर एक चम्मच तक त्रिकटू चूर्ण का सेवन करने से अस्थमा और श्वसन संक्रमण के उपचार में मदद मिलती है। त्रिकटू चूर्ण खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है जो अपना कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करना चाहते हैं। भोजन से एक घंटे पहले आधे से लेकर एक चम्मच तक त्रिकटू चूर्ण का सेवन करें, कोलेस्ट्रॉल का करने में आपको मदद मिलेगी। मेडिकल साइंस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS के होने वाले के सटीक कारणों को खोजने में असमर्थ है, लेकिन भारतीय आयुर्वेद के अनुसार यह पाचन की गर्मी की खराबी का कारण होता है। ऐसे में त्रिकटू चूर्ण आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। त्रिकटू चूर्ण ठीक से कार्य करता है जब रोगी को मल के दौरान दस्त या ऐंठन या गैस होती है। यह मल में बलगम को कम कर देता है और पाचन की आग को सामान्य कर देता है। सर्दी के समय लोगों के बदन में दर्द होना सामान्य बात है, ऐसे में त्रिकटू चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। त्रिकटू चूर्ण शरीर को गर्मी प्रदान करता है और शरीर में तेज दर्द को कम कर देता है। आधा या एक चम्मच त्रिकटू चूर्ण का सेवन बदन दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। त्रिकटू चूर्ण प्रजनन कार्यों को सुदृढ़ करने, प्रजनन अंगों को गर्म करने और उत्साहित करने में मदद करता है, क्योंकि यह कामोद्दीपक गुणों से परिपूर्ण होता है। यह शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने और स्वस्थ यौन जीवन को बढ़ाने में मदद करेगा। त्रिकटू चूर्ण भी थायराइड के उपचार में भी मदद करता है। 50 ग्राम त्रिकटू चूर्ण के साथ गोदंती भस्मा 10 ग्राम को मिक्स करें और शहद के साथ 1 से 2 ग्राम दिन में 2 बार लें, आपको थायराइड ठीक हो जाएगा। चरक चिकित्सा स्थान के अनुसार 1 महीने तक त्वचा रोगों के लिए हरित की गुड़ और तिल के तेल के साथ त्रिकटू चूर्ण का सेवन करें। इससे त्वचा के सभी रोगों को आप प्रभाव नज़र आएगा, आप ये ठीक हो जाएंगे। आपने इसकी खुराक कितनी लेनी है ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन से एक घंटे पहले आधा या एक चम्मच त्रिकटू चूर्ण शहद के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। यह स्वाद में तीखा और तासीर में गर्म होता है। कई स्वास्थ्य लाभों के साथ त्रिकटू चूर्ण का एकमात्र दुष्प्रभाव है, अधिक मात्रा में सेवन करने से यह गैस्ट्रिक समस्याओं का कारण बन सकता है और साथ ही यह पेट में जलन पैदा कर सकता है। इसलिए इसका सीमित मात्रा में ही उपयोग करें।